सहजन की फली और आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं हमने इस सब्जी को कैसे बनाया। ये हमने 250 ग्राम सहजन की फली ली है, उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया और अच्छे से पोंछ के सुखा भी लिया। अब हम इसे काटेंगे। पहले इसको एंड से काटना है और इसे ऐसे छीलते रहना है, ऐसे छोटे टुकड़े इसके कर लेने हैं इतने इतने, और पिलर से इसे हल्का हल्का छील लेना है। ये जो हार्ड छिलके ना इसका ऊपर से ये उतार लेना। इसी तरह सारी फलियों को छील लेना। सारी फली के हमने 2-2 इंच के टुकड़े काट लिए, कुछ हमने छील लिए हैं। ये देखिए ऐसे इनको छीलना है हल्का हल्का, ज्यादा मोटा नहीं छीलना, हल्का हल्का ही ऐसे उतारना है। और इसी तरह सारी फली को छील के रख लेंगे। सारी सहजन की फली को हमने हल्के हाथों से पील कर लिया है। तो ये हमने मीडियम साइज के 4 आलू लिए थे, उनको पील करके उसे ऐसे लंबा लंबा काट के पानी में रख लिया ताकि काले नहीं पड़े। तो चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये ग्रेवी के लिए हमने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे लंबा लंबा काट लिया। 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज्यादा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7-8 कलियां लहसुन की, इन्हें हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। और साथ में ये 2 टीस्पून राई डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इन्हें ग्राइंड करके इनका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। लहसुन अदरक प्याज की पेस्ट हमारी तैयार है, ये देखिए बिल्कुल फाइन इन्हें ग्राइंड कर लिया। तो चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को हमने लो मीडियम गैस पे रखा है। अब इसमें 3-4 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। ये मैंने पहले ही इस तेल का धुआं निकाल के रख लिया था, ठंडा करने के बाद बॉटल में भर लिया। और अब इसे हल्का ही गरम करना है, ज्यादा नहीं करना। तेल गरम हो चुका है, इसमें पहले ये कटे हुए आलू डालेंगे, इन्हें फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई कर रहे हैं इन्हें। और इन्हें पूरी तरह से नहीं गलाना, हल्का सा कच्चा रखना, बीच बीच में कड़छी चलाते रहेंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखना है। आलू के किनारे देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, हमने इन्हें 75% ही कुक किया है, पूरा नहीं गलाया। ये देखिए नरम हो गए हैं नीचे से। अब इसमें ये ड्रम स्टिक्स भी डाल देंगे, इन्हें भी 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी को पहले ऐसे अलग से फ्राई करने से ये फायदा होता है, एक तो सब्जी जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। सहजन की फली डाल के भी हमने 2 मिनट और फ्राई कर लिया। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब इन्हें एक साइड में रख देंगे और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये जो तेल हमारा बच गया है, सब्जी हम इसी में ही बनाएंगे। इसमें आप 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को क्रैकल होने देंगे। गैस को हमने सिम पे ही रखना है। जीरा क्रैकल होना शुरू हो गया, अब इसमें ये लहसुन अदरक प्याज का मसाला डालेंगे। गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और अब इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाता और लहसुन अदरक प्याज अच्छे से भुने नहीं जाते। मसाले को भूनते 2-3 मिनट हो गए हैं, अब गैस को सिम पे कर देंगे और इसमें सूखे मसाले डालेंगे। जब भी आप सूखे मसाले डालें गैस को स्लो जरूर कर दें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, ये कश्मीरी लाल मिर्च हमने ली है क्योंकि 2 हरी मिर्च हम डाल चुके हैं, ये 1 टीस्पून, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे।
और मसाले को अभी हम 5-6 मिनट और भुनेंगे ताकि अच्छे से लहसुन अदरक प्याज भुना जाए। मसाले को भुनते 10 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे लो मीडियम गैस पे लगातार कड़छी चलाते हुए भुना है। सब मसालों की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब ये 2 टमाटर मीडियम साइज के लिए उनकी प्यूरी बना ली, ये डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को लो मीडियम पे ही रखेंगे और इसे आप ढक देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें ये फ्राई की हुई सब्जियां डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें भी 1-2 मिनट भून लेंगे ताकि सब्जियां और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ में ही थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे। सब्जी को भूनते 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 2.5 कप पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको इसे चावल के साथ खाना है तो ज़्यादा पानी डालिए, अगर रोटी के साथ खाना है तो कम डालिए। गैस को फुल पे कर देंगे और एक उबाला आने देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी में उबाला आ गया है। गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और इसे ऊपर से ढक देंगे और इसे 5-6 मिनट और पकाएंगे ताकि जो आलू हमारे थोड़े 25% कच्चे थे वो भी पक जाएं और ड्रमस्टिक भी थोड़ी नरम हो जाएं। तो बीच बीच में चेक करते रहिए। सब्जी को पकते 5-6 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी भी हमारी थोड़ी थिक हो गई है। ये देखिए, ये आलू भी नरम हो गए हैं। देखो मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखो आसानी से कट रहे हैं। ड्रमस्टिक्स भी हमारी नरम हो गई हैं। तो अगर आपको इन्हें चावल के साथ खाना है तो इतनी ही ग्रेवी रखिए, अगर रोटी के साथ खाना है तो ग्रेवी को थोड़ा और सुखा लीजिए, थोड़ा थिक कर लीजिए। तो ये देखिए सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।